नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। और आज हम आए हुए हैं हनुमानगढ़ी मंदिर में। बाबा नीम करौली महाराज जी द्वारा ये मंदिर 15 जून को बनाया गया था 1953 में। इस मंदिर की भी एक कहानी है। यहाँ पहले शमशान हुआ करता था। यहाँ पहले लोग आने से डरते थे और सभी ने महाराज जी यहाँ तपस्या किया करते थे। तो सभी ने महाराज जी को बोला कि यहाँ मंदिर मत बनाइए, पर महाराज जी ने कहा कि यहाँ मंदिर तो यहीं बनेगा। यहाँ की जो पहाड़ियाँ थी वो धसक जाया करती थी, बहुत लोगों को परेशानी हुआ करती थी। लेकिन जब से ये मंदिर बना उसके बाद से लोगों में यहाँ भक्ति भी बढ़ी, आस्था भी बढ़ी, लोगों का आना जाना भी शुरू हुआ और पहाड़ियों का धड़कना खिसकना भी बंद हो गया। और सालों से ये मंदिर आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र है। हनुमानगढ़ी अगर आप कैची आ रहे हैं, अगर आप ककड़ी घाट जा रहे हैं, अगर आप भूमियाधार जा रहे हैं, तो आपको हनुमानगढ़ी आना भी आवश्यक है, उतना ही जितना कि कैची। यहाँ पर भी आप आएंगे तो यहाँ का जो आध्यात्मिक अनुभव है वो आपको आपकी आत्मा को झकझोर देगा, जगा देगा और आपकी चेतना को एक नई ऊर्जा और नई शक्ति देगा। यहाँ आने का जो रास्ता है, आप कैची अगर जा रहे हैं तो वहाँ से भी आ सकते हैं। अगर आप नैनीताल में हैं तो नैनीताल से भी आ सकते हैं। नैनीताल से तल्लीताल, वहाँ के बस स्टैंड से रास्ता कटता है, कोई भी आदमी आपको बता देगा यहाँ आने का रास्ता। और दुर्गम रास्ता है, थोड़ी सी 1-8 किलोमीटर का थोड़ा सा दुर्गम मार्ग है। और आने के लिए टैक्सियाँ बहुत हैं, आने के लिए बसें भी मिल जाएंगी आपको, गाड़ियाँ मिल जाएंगी। और अगर आप बहुत श्रद्धालु हैं तो फिर आप पैदल भी आ सकते हैं। यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो पैदल चलना ही प्रेफर करते हैं, वो पैदल चलना ही पसंद करते हैं। तो इस अगर आप कैची आ रहे हैं तो हनुमानगढ़ी देखे बिना मत जाइएगा। और जब आप इस मंदिर आएंगे तो यहाँ से ऊपर एक रास्ता जाता है जहाँ पे कि शीतला माता का मंदिर है। ऐसा माना जाता है कि अगर आप यहाँ आएँ तो वहाँ भी आपको जाना चाहिए। तो इन दोनों मंदिरों को आइए, ज़रूर देखिए और अपनी आत्मा को तृप्त कीजिए। वास्तव में बहुत ही अच्छी जगह है। सर्दियों में अगर आप आ रहे हैं तो ठंड का पूरा सामान रख के लाइएगा। ये एकदम यहाँ से हिमालय भी दिखता है, एकदम ऊंचाई पे है ये, और यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। अगर आप गर्मियों में आए तो ही ठीक रहेगा, या बरसातों में आए तो ठीक रहेगा। अगर आप एकदम हाई टूवर्ड्स स्टीप विंटर्स आ रहे हैं, दिसंबर जनवरी, तो सर्दियों के पूरे इंतजाम से आइएगा, क्योंकि यहाँ की ठंड बाहर के आदमी के लिए बर्दाश्त करना संभव नहीं है, बहुत ठंड होती है। और महाराज जी की असीम अनुकंपा आप सभी पर बनी रहे, हम पर बनी रहे, हमारा जीवन, आपका जीवन, सभी के जीवन पे उनकी कृपा हमेशा बनी रहे। हमेशा सत्य बोलिए। लव ऑल, फीड ऑल, सर्व ऑल। नमस्कार।